चलिए आज हम जानते हैं नोटपैड के बारे में। नोटपैड हमारा एक साधारण टेक्स्ट टाइपिंग कर सकते हैं। इसमें हम पांच मेनू देख रहे हैं, जिनमें से फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, व्यू है और हेल्प है। नोटपैड हमारा शुरुआती का एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हम करते हैं। नोटपैड की अगर सबसे ऊपर एरिया को देखा जाए तो इस एरिया को हम बोले जाते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में तीन बटने पाई जाती हैं, जिनमें से होता है रिस्टोर डाउन, बीच वाली बटन का नाम है, और किनारे वाली बटन का नाम है जो रेड लाइन में दिख रही है उसे बोलते हैं क्लोज बटन। ये बहुत ही मिनिमाइज बटन, अगर हम रिस्टोर डाउन करते हैं तो हम इसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद अगर नीचे एरिया देखी जाए तो नीचे एरिया वाली एरिया को बोलते हैं टास्क बार। और ये पूरा रहा नोट पैड का। पैड में अगर हम पहले मेन्यू की बात करें तो इसमें है फाइल, फाइल में है न्यू, कंट्रोल एन का मतलब होता है न्यू। ये जो हमारा पेज है अगर इस पर कुछ लिखा जाए, जैसे हमने ये कुछ यहाँ पर लिख दिया, अगर हम यहाँ कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक नया पेज आएगा। यहाँ पर सेव और डोंट सेव का ऑप्शन आएगा, हम इसे डो नॉट सेव करते हैं, ये हमारा एक नया पेज इसी फॉर्मेट में नया पेज हमें मिल जाएगा, नया पेज आ जाएगा। उसके बाद कंट्रोल ओ से ओपन होता है, कोई भी सेव किए गए डॉक्यूमेंट को हम यहाँ ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल ओ प्रेस करके, कंट्रोल ओ प्रेस कर देंगे हम वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट अगर हम ओपन करना चाहें वो डॉक्यूमेंट को हम ओपन कर सकते हैं। ये देखिए हमने एक डॉक्यूमेंट को ओपन किया और उसके बाद हम इसे सेव कर सकते हैं। सेव एज, सेव एज मतलब होता है ये है कि जैसे नोट पैड के बगल देख रहे होंगे NSEC 01 के फॉर्मेट में इसका नाम सेव किया गया है। अगर यहाँ पर NSEC 2 लिखना चाहो तो आप यहाँ पर फाइल पे जाकर इसे रीनेम कर सकते हैं। पेज सेटअप की अगर मैं बात करूँ तो पेज सेटअप में लेटर टाइप पेज सेटअप होता है A4 साइज, A3, B4, B5। इस तरह आपका जिस तरह आपको प्रिंट आप प्रिंटर हो जिस तरह आपका प्रिंटर हो उस तरह आप पेज सेटअप करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कंट्रोल पी है यानी प्रिंट है, तो आप जब पेज सेटअप कर लोगे तो आप ऑब्वियसली कंट्रोल पी प्रेस करके आप प्रिंट आउट दे सकते हो। उसके बाद लास्ट में है टैब जिसको बोलते हैं एग्जिट। एग्जिट जब आपका पूरा काम हो गया तो आप चाहे यहाँ से ऊपर से क्लोज कर दो या फिर आप यहाँ से भी एग्जिट हो सकते हो, बाहर जा सकते हो। नोटपैड की अगर हम नेक्स्ट मेन्यू की बात करें तो उसका नाम है एडिट। एडिट में देखते हैं क्या क्या है। एडिट में बात करें तो पहला है कंट्रोल जेड से अंडो, कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, DEL से डिलीट और कंट्रोल एफ से फाइंड, F3 से फाइंड नेक्स्ट, कंट्रोल एस से रिप्लेस, कंट्रोल जी से गो टू लाइन, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल और F5 से करंट टाइम में इंसर्ट करना। अगर बात करें तो अगर हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो ये हो गया सिलेक्ट ऑल, ये हो गया सिलेक्ट ऑल। अब यहाँ पर हम कंट्रोल सी प्रेस करते हैं तो हो गया कॉपी, और अगर हम एक बार इंटर मार के अगर कंट्रोल भी करें तो उस चीज़ हम दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कंप्यूटर के स्क्रीन पर एक चीज़ दोबारा दिख रही है। उसके बाद हम जो चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ये हमने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, इसको कंट्रोल एक्स से हम कट कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स से हम कट कर सकते हैं, कंट्रोल जेड यानी अंडो उसे हम वापस ला भी सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इसे हम डिलीट भी कर सकते हैं DEL वाली बटन से। ये देखो हमने डिलीट कर दिया। अगर हम अगली बात करें तो अगला हमारा क्या दिखा रहा है, कंट्रोल एफ यानी फाइंड। हम कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो हमारे वहाँ पर कुछ अक्षर हाईलाइट होते हैं, जैसे कि हम कंट्रोल एफ प्रेस करके हम यन को हाईलाइट कर रहे हैं, ये कर रहे थे हमने फाइंड और ये हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर हम F3 से फाइंड नेश होता तो जहां जहां यन है तो यहां पर पूरे में यन एक ही बार है, इसलिए एक ही बार ये फाइंड हो रहा है, उसके बाद ये फाइंड नहीं हो रहा क्योंकि यन यन एक यहां पर है, एक यन यहां पर है, उसके बाद यन पूरे में है ही नहीं। अगर हम ए को फाइंड करें तो शायद ए को ए फाइंड हो सके, तो कंट्रोल एफ फिर से मैं प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर यन के स्थान में मैं ए आपको फाइंड करके दिखा रहा हूँ। जैसा आप देख रहे हैं ये हमने कर दिया फाइंड और ये हमने नीचे से कर दिया कैंसिल और मैं F3 प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए बारी बारी स्टेप बाई स्टेप फाइंड हो रहा है, ये हो गया फाइंड। अब जैसे कभी कभी हमारी होते हैं अगर कॉपी कलम हो तो उसमें एक अक्षर हम लिखेंगे तो गलतियां हो जाएंगी, उसे मैं काट के सही कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई फाइल या डॉक्यूमेंट के थ्रू हम लिख रहे हों कोई शब्द को तो अब कंप्यूटर चला रहे हैं तो ऑब्वियसली हजार शब्द लाख शब्द रहेंगे तो उसमें हम एक चीज में इंटरचेंज नहीं कर सकते, तो कंट्रोल एच का मतलब होता है रिप्लेस करना। और जब हम रिप्लेस करेंगे, जैसे हमने ए को जेड में रिप्लेस करना है, ए को हमें जेड में रिप्लेस करना है, तो हमें एक बार हम इसे क्या करेंगे ऊपर लाके हम इसे क्या कर देंगे फाइंड रिप्लेस करेंगे और आल रिप्लेस क्लिक कर देंगे, देखो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ जेड हो गया है। आप देखना चाहो ये देख सकते हो, ये जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ जेड हो जा रहा है ऑटोमेटिक, ये हमारा हो गया रिप्लेस का ऑप्शन। अब करंट टाइम डेट इंसर्ट करने की बात करो तो इसके लिए हम F5 प्रेस करते हैं, F5 प्रेस करते हैं करंट टाइम डेट इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देख ही रहे हैं सारे, उसके बाद यहाँ पर एडिट में सारे मेन्यू हो चुके हैं। अब हम चलते हैं फॉर्मेट की, और फॉर्मेट में पहला मेन्यू है वर्ल्ड ड्राइव।
वर्ल्ड रैप का प्रयोग अगर हम करें, जैसे कि हम ये लिख रहे हैं ना, ये जो लाइनें, मैं जो करंट टाइम डेट इंसल्ट कर रहा हूँ उस लाइन को देखो, तो ये एक बार में ही यहाँ तक आने के बाद ये चीज़ें खत्म हो जा रही हैं, इसके आगे नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर हम वर्ल्ड रैप का यूज करेंगे तो हम एक लाइन में 1024 वर्ल्ड लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नीचे मैं स्क्रॉल बार से मैं इधर सरका के दिखा रहा हूँ, आप एक लाइन में 1024 वर्ल्ड लिखा लिखाया दिख रहा होगा। आप एक लाइन में नोट पैड में वर्ल्ड रैप का प्रयोग करके 1024 वर्ल्ड लिख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फांट की, तीसरे मेनू में फांट भी है, तो फांट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगे वो आप स्टाइल यहाँ पर लेकर फांट स्टाइल, फांट के साइज और फांट को आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हो। उसके बाद है व्यू, व्यू का मतलब होता है स्टेटस बार। व्यू में है, व्यू मेनू में है स्टेटस बार, आपका जो स्क्रॉल बार है वो स्टेटस बार के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप क्लिक करके ये आप नीचे स्टेटस बार को देख सकते हैं। में क्या होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर है उससे जुड़े या उससे इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य या प्रश्न होते हैं, तो अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो नोट पैड के बारे में बताया जाता है कि हॉट इज ए नोट पैड, हाउ डू आई ओपन नोट पैड, तो यहाँ पर आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसका वो आंसर दे देगा। उसके बाद है अबाउट नोट पैड, अबाउट नोट पैड पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यह अबाउट नोट पैड हमें ये बताएगा कि यह नोट पैड किस विंडो में किसके अंतर्गत चलाया जा रहा है, तो ये होगा उसकी जानकारी। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, विंडो 7 अल्टीमेट के अंतर्गत ये चलाया जा रहा है नोट पैड। आपको यह जानकारी नोट पैड के बारे में कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को जितना हो सके उतना ही शेयर करें। धन्यवाद।